लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में कोरोना विपदा और लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट के दौर में सबसे ज्यादा मुश्किलों से प्रवासियों को गुजरना पड़ रहा है। लाखों की संख्या में प्रवासी देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं और अपने अपने घरों को जाने के इच्छुक हैं। इन प्रवासियों को सकुशल इनके राज्य पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उठाई है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर इन प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने सभी राज्यों के राज्य सरकारों से अपील करते हुए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अधिक संख्या में अनुमति देने के लिए कहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक ट्रेनों की संख्या दोगुनी और पश्चिम बंगाल ने 50 ट्रेन प्रतिदिन चलाने की स्वीकृति दे दी है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ प्रवासी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को दोगुनी करने के लिए स्वीकृति दी है। राज्य के प्रवासी श्रमिकों को सकुशल घर पहुंचाने के प्रति वह बेहद गंभीर हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट करते हुए बिहार सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने लिखा, मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों के बारे में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मेरी सार्थक चर्चा हुई और उन्होंने कामगारों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को 50 ट्रेन प्रतिदिन तक चलाने की स्वीकृति दी है। बता दें कि इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताया है। उन्होंने लिखा, धन्यवाद माननीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, प्रदेश सरकार अपने श्रमिक भाइयों बहनों की सकुशल और सम्मानजनक वापसी के लिए पूरी तरह संकल्पित है और केंद्र सरकार व रेलवे के सहयोग और समन्वय से हम हर एक श्रमिक भाई बहन जो अपने घर आना चाहता है उसकी सकुशल वापसी सुनिश्चित करेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, बिहार के बाहर फंसे जो भी प्रवासी मजदूर बिहार आने को इच्छुक हैं, उन सभी को बिहार लाया जाएगा। वे परेशान ना हो, धैर्य रखें, सुरक्षित रहें। सरकार पूरी क्षमता से सभी इच्छुक प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द बिहार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।